गाइज बहुत सारे यूजर्स ऐसे होंगे जो रियल मी एक्स के साथ फर्स्ट टाइम कलर ओएस एक्स ट्राई कर रहे होंगे। तो गाइज आज मैं रियल मी एक्स के कुछ यूजफुल फीचर्स एंड फंक्शन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ऐसे वीडियोस हमेशा देखते रहने के लिए चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। होम स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे स्वाइप करने पे आपको गूगल फीड लाइक कार्ड्स दिखेगा, यानी स्मार्ट असिस्टेंट, कैलेंडर, वेदर, इवेंट्स, स्टेप ट्रैकर वगैरह जैसे कार्ड्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। टॉप राइट पे आपको प्लस का बटन दिखेगा, इस पर टैप करके आप अपने फेवरेट कार्ड्स को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और इसे रीअरेंज भी कर सकते हो। गाइस ये जो दिख रहा है आपको क्विक फंक्शंस, इस पर आप अपने फेवरेट ऐप्स ऐड कर सकते हो ताकि आप क्विकली इन ऐप्स को यूज कर सको। एंड गाइस अगर आपको ये स्मार्ट असिस्टेंट कार्ड्स नहीं चाहिए, सेटिंग्स में स्मार्ट सर्विसेज में जाकर आप इसे डिसेबल कर सकते हो। गाइज रियलमी एक्स में आप कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हो। डायलर ऐप ओपन करने के बाद टॉप में आपको राइट साइड पे एक गियर आइकन जैसा कुछ दिखेगा, उस पर टैप कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन कॉल रिकॉर्डिंग का। गाइज आप चाहो तो सारे अननोन नंबर्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड ऑल अननोन नंबर्स। दूसरा वाला आपको नीचे एक और ऑप्शन दिखेगा रिकॉर्ड ऑल कॉल्स, यानी सारे कॉल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगे। और तीसरा वाला यानी टॉप में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑटो रिकॉर्ड का, उस पर टैप करने के बाद आप किसी स्पेशल नंबर का कॉल अगर ऑटो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ऐड पे टैप करने के बाद आप वो नंबर ऐड कर सकते हो। Realme X में अभी रिसेंटली अपडेट के बाद एक एक्स्ट्रा बटन कैमरा ऐप में देखने को मिला अल्ट्रा 48 मेगापिक्सल का। गाइस पहले यहाँ पे 5 बटन थे, नाइटस्केप, पैनो एक्सपर्ट, टाइम लैप्स और स्लोमो। अभी एक एक्स्ट्रा बटन ऐड हो गया जिसके कारण से स्लोमो का बटन जो है नीचे की तरफ चला गया और बहुत से लोग कमेंट करके मेरे से पूछ रहे थे कि स्लो मोशन फीचर जो है वो गायब हो गया। तो गाइस यहाँ से कोई भी फीचर या फंक्शन रिमूव नहीं किया गया है, आप स्क्रॉल अप करके स्लो मोशन देख सकते हो। गाइस 3D टच के बारे में तो आपने सुना होगा, आप Realme X में भी ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो। आप होम स्क्रीन के किसी भी आइकन पे लॉन्ग प्रेस करके या फिर ऐप ड्रॉअर पे किसी भी आइकन पे लॉन्ग प्रेस करके क्विकली बहुत सारे एक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। गाइस हमारे स्मार्टफोन में बहुत सारे यूजफुल एंड स्मॉल फंक्शन होते हैं जिन्हें हम यूज नहीं करते। 3D टच का मैं एक और कमाल आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन ऑफ टाइम जो है इसे चेंज करना है। मेरे फोन में अभी 10 मिनट है, इसे 2 मिनट करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सेटिंग्स आइकन पे लॉन्ग प्रेस करूँगा, सर्च सेटिंग्स पर टैप करूँगा और अब टाइप करूँगा ऑफ और मुझे दिख जाएगा ऑटो ऑफ स्क्रीन। अब मैं यहाँ से 10 मिनट को 2 मिनट आसानी से कर सकता हूँ। गाइस Realme X में 2 लाइव वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएगा। गाइज अब बात करते हैं एमोलेड डिस्प्ले के मस्ती के बारे में। गाइज आप चाहो तो स्क्रीन ऑफ क्लॉक इनेबल कर सकते हो। डिस्प्ले सेटिंग्स में जाने के बाद आपको दिख जाएगा ऑफ स्क्रीन क्लॉक, आप इसे इनेबल कर देना और चाहो तो आप इसका टाइमिंग भी सेट कर सकते हो। एंड गाइज Realme X में LED नोटिफिकेशन नहीं मिलता, बट डोंट वरी, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग्स में आप टर्न ऑन स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, आप इसे इनेबल कर दो। गाइज पॉपअप कैमरा देखने में बहुत ही कूल लगता है और जब भी ये ओपन होता है आपको एक कूल एनिमेशन भी देखने को मिलता है। आप चाहो तो साउंड इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो। 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल एंड म्यूजिकल। अगर आपको साउंड इफेक्ट पसंद नहीं है तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। गाइस साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में ही आपको नीचे पॉपअप कैमरा के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट साउंड को भी ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। गाइस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साउंड को ऑन ऑफ करने के साथ साथ आप इसके एनिमेशन स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट सेटिंग्स के अंदर 5 आपको एनिमेशन स्टाइल देखने को मिल जाएगा, द रे, मूनलाइट, द ग्रेविटी, द फ्लैश एंड कलरफुल क्लाउड। गाइस फेस अनलॉक सेटिंग्स के अंदर आपको एक बहुत ही यूजफुल फंक्शन देखने को मिल जाएगा, क्लोज्ड आइज विल फेल फेस रिकॉग्निशन, यानी आंख बंद करके फेस अनलॉक काम नहीं करेगा। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर इनेबल कर लेना। Vivo Z1 Pro में आपको एक स्पेशल बटन मिलेगा गूगल असिस्टेंट के लिए, जिसे लॉन्ग प्रेस करके आप गूगल असिस्टेंट इनेबल कर सकते हैं। कुछ इस तरह का फंक्शन आप Realme X में भी ट्राई कर सकते हैं। कन्वीनियंस एड में आपको टॉप में एक ऑप्शन दिखेगा, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन फॉर 0.5 सेकंड्स टू वेक अप गूगल असिस्टेंट, इसे आप इनेबल कर दीजिए। लॉन्ग प्रेस कीजिए पावर बटन को 0.5 सेकंड्स के लिए, यानी आधे सेकंड के लिए आपका गूगल असिस्टेंट इनेबल हो जाएगा। Realme X में आप ऐप का क्लोन बना सकते हो, यानी डुअल ऐप्स, कौन कौन से ऐप्स के आप डुअल ऐप्स बना सकते हो चलिए मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारा लिस्ट जिन ऐप्स के आप डुअल ऐप्स बना सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बीबीएम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, लाइन, हाइक, आईएमओ, आईएमओ, आई डोंट नो कैसे इसे प्रोनाउंस करते हैं, स्काइप, वाइबर, जैलो एंड वीचैट। गाइस, रियलमी एक्स में आप स्प्लिट स्क्रीन फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हो और इसको इनेबल करने का कई सारा तरीका है। मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला तरीका है तीन फिंगर से स्वाइप अप करना। आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिख रहा होगा, आप इसे ज़रूर इनेबल कर लीजिए। एंड गाइज, दूसरा तरीका है लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा आपको रीसेंट बटन पे। तीसरा तरीका है गाइज, रीसेंट ऐप से आप कोई भी ऐप जो सपोर्ट करता है मल्टी स्क्रीन, यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। आपको यहाँ पे दो बटन दिख जाएगा, लॉक स्क्रीन का एंड स्प्लिट स्क्रीन का। गाइज, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए बहुत सारे ऐप्स ऑलरेडी प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लेकिन आपको रियलमी एक्स में बिल्ट इन फंक्शन मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में और उसके बाद नीचे आपको दिखेगा सिस्टम ऐप्स, उस पर टैप करने के बाद बॉटम में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग फंक्शन दिख जाएगा। आप चाहो तो साउंड रिकॉर्डिंग को भी इनेबल कर सकते हो, वीडियो की क्वालिटी को भी चेंज कर सकते हो 720p या 480p, एंड फ्रंट कैमरा भी आप रिकॉर्डिंग के दौरान यूज़ कर सकते हो। एक क्विक टॉगल ऐड कर लेना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, जब भी आप उस पर टैप करोगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। हर स्मार्टफोन में कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होता है जिन्हें हम ब्लोटवेयर भी कहते हैं, जिन्हें हम यूज़ नहीं करना चाहते। ऐसे ही एक ऐप है ऐप मार्केट, और ऐप मार्केट के साथ आपको दो एक्स्ट्रा फोल्डर मिल जाएगा, हॉट ऐप्स का एंड हॉट गेम्स का। अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं, सेटिंग्स में बिल्कुल नीचे आपको दिख जाएगा सिस्टम ऐप्स, ऐप मार्केट, होम स्क्रीन फोल्डर फॉर पॉपुलर ऐप्स, आप इसे डिसेबल कर देना। दोनों फोल्डर थोड़ी देर में डिसेबल हो जाएगा। गाइज, अगर आपको ये तीन नेविगेशन बटन्स पसंद नहीं है, आप फुल स्क्रीन जेस्चर यूज़ करना चाहते हो, तो आपको जाना पड़ेगा कन्वीनियंस एड में और उसके बाद नेविगेशन कीज़ में आपको तीन ऑप्शन मिल जाएगा, एक वर्चुअल कीज़ का, दूसरा स्वाइप अप जेस्चर का और तीसरा स्वाइप जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड्स। गाइज, ये बोथ साइड वाला नेविगेशन जेस्चर सारे रियलमी फोन्स को नहीं मिला है। कैसे ये काम करता है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। बॉटम से आपको स्वाइप अप करना पड़ेगा होम स्क्रीन में जाने के लिए। स्वाइप अप एंड होल्ड करने पे रिसेंट पैनल ओपन हो जाएगा एंड लेफ्ट या राइट साइड पे स्वाइप करने पे बैक बटन का ये काम करता है। गाइज, अगर लेफ्ट या राइट साइड पे स्वाइप एंड होल्ड करते हो तो आप लास्ट ऐप के बीच में स्विच कर सकते हो। अब बात करते हैं असिस्टिव बॉल के बारे में। इसे इनेबल करने के बाद दो अलग अलग फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, दो अलग अलग तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक है जेस्चर ऑपरेशंस, दूसरा है टैप मेन्यू। जेस्चर ऑपरेशन मतलब नेविगेशन बटन्स को हम जिस तरह यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह आप इस बॉल को भी यूज़ कर सकते हैं नेविगेशन बटन्स के लिए। इस पर सिंगल टैप करके आप बैक पे जा सकते हैं, डबल टैप करके रिसेंट पैनल ओपन कर सकते हैं, टच एंड होल्ड करने पे होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। गाइस, दूसरा वाला है टैप मेन्यू। आपको बेसिकली इस पर टैप करने के बाद पांच अलग अलग ऑप्शंस दिखते हैं और आप चाहो तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। टोटल आपको सात अलग अलग एक्शंस मिलेगा जिसमें से आप पांच अपने टैप मेन्यू के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। गाइस, अब बात करेंगे स्मार्ट साइड बार के बारे में। इसे स्लाइड करके आप ओपन कर सकते हैं। स्क्रीन के एज से आपको फाइल मैनेजर, कैमरा, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्ड एंड नोटिफिकेशन ओपन करने का ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस, आप कुछ ऐप्स भी ऐड कर सकते हैं जो आपके फेवरेट है और आप किसी भी स्क्रीन से इन ऐप्स को ओपन कर सकते हो। अब बारी है जेस्चर एंड मोशन का। सबसे पहला फंक्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन ऑफ जेस्चर, यानी लॉक स्क्रीन से भी आप अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो। डबल टैप करके आप स्क्रीन ऑन कर सकते हो, ओ ड्रॉ करके कैमरा ओपन कर सकते हो एंड वी ड्रॉ करके फ्लैश लाइट। गाइस, आप अपने म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हो लॉक स्क्रीन से। गाइस, कुछ आपको एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। स्लाइड अप या स्लाइड डाउन या एम या डब्ल्यू ड्रॉ करके आपको उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप डिवाइस को अनलॉक करना चाहते हो, क्विकली कॉल करना चाहते हो या फिर कोई ऐप ओपन करना चाहते हो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो।
गाइस जेस्चर एंड मोशन में दूसरा सेक्शन है स्मार्ट कॉल का। इसमें आपको तीन फंक्शन देखने को मिल जाएगा। पहला, जब भी कोई कॉल आता है बिना रिसीव किए आप फोन को कानों तक ले जाइए, कॉल खुद ब खुद रिसीव हो जाएगा। दूसरा है, अगर आप किसी से स्पीकर में बात कर रहे हैं फोन को कानों तक ले जाइए, स्पीकर ऑफ हो जाएगा। एंड गाइस तीसरा, कोई कॉल आता है तो आप फोन को सिंपली फ्लिप कर दीजिए, फोन खुद ब खुद म्यूट हो जाएगा। गाइस जेस्चर एंड मोशन में अदर सेक्शन में आपको दो और फंक्शन देखने को मिल जाएगा, दोनों बहुत ही यूजफुल है। एक, जब भी आप फोन को पिक कीजिएगा, फोन को थोड़ा सा उठाइएगा, स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। और दूसरा है, तीन फिंगर से स्वाइप अप करके आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए माफ कर देना। वैसे अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और फ्यूचर में ऐसे वीडियोज देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड गाइस देखते रहिए iPhone Unboxed।